मणिपुर में हिंसा में फंसे 163 स्टूडेंट्स को लेकर फ्लाइट सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर छात्रों का गुलाब देकर स्वागत किया गया। छात्रों को लेने के लिए उनके परिवार के लोग भी एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। स्टूडेंट्स ने कहा कि वहां हालात बहुत ख़राब थे। जहां वो रुके हुए थे वहां से थोड़ी दूर पर बमबारी हो रही थी, वो बहुत डरे हुए थे। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स वापस आए और उनके परिवार वालों ने बिहार सरकार को धन्यवाद भी कहा। जानकारी के मुताबिक 8:40 में इंफाल से छात्रों को लेकर फ्लाइट पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। यह फ्लाइट करीब 11 बजे पटना पहुंची। इसमें से 21 स्टूडेंट्स झारखंड के थे, जिन्हें बस से रांची भेज दिया गया है। मणिपुर से स्टूडेंट्स को लाने की पूरी व्यवस्था बिहार सरकार ने की थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अधिकारियों को निर्देश दिए थे। मणिपुर में 3 मई से हिंसा भड़की हुई है, इससे वहां के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के करीब 300 स्टूडेंट्स मणिपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में फंसे थे। छात्रों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों सकुशल वापसी के लिए पूरे इंतजाम के निर्देश दिए थे। मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में छात्रों के संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने मार्च बुलाया था। आदिवासी एकता मार्च के नाम से हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई है। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। कई संगठनों ने बुधवार को आदिवासी एकता मार्च का आह्वान किया, जिसमें हिंसा भड़क गई। हालात को देखते हुए राज्य के कई इलाकों में सेना को तैनात किया गया है।